अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं बाबरा टाउन फेस टू मुल्तान में और आपको विजिट करवाने लाए हैं 10 मरला ब्रांड न्यू हाउस। सबसे पहले हम आपको उसका लोकेशन का व्यू करवा देते हैं। लोकेशन की बात की जाए तो मेन 65 फेसिंग का ये हाउस है। घर के सामने आपको एक 60 फीट रोड मिल जाता है। और फ्रंट एलिवेशन की बात की जाए तो माशाल्लाह मॉडर्न स्टाइल में घर को डिज़ाइन किया गया, बहुत ही खूबसूरत एलिवेशन इसका रेडी किया गया। रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया, साथ ही इसके जो राइट साइड का पैच है इसमें टाइल वर्क किया गया। और विंडो पैनल्स आप देख रहे हैं, ब्लैक कलर के विंडो पैनल्स इंस्टॉल किए गए हैं इसके एलिवेशन में, साथ ही फुल फ्लोर लाइट्स का इस्तेमाल हो गया है। चलते हैं आपको इसका ज़रा क्लोज व्यू करवा देते हैं इसके फ्रंट एलिवेशन का। ये जी कंप्लीट एलिवेशन का क्लोज व्यू कर रहे हैं आप, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर हाउस है 10 मरले का ये बाबरा फेस टू में। और ये जी साथ ही एक्सटर्नल लॉन की स्पेस आपको दी गई है। और ये इसका कार रैंप आ गया। चलते हैं घर के अंदर और आपको इसका इनसाइड टूर करवाते हैं। घर के प्राइस फ्लोर प्लान आपसे डिस्कस करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर अगर आप नहीं हुआ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये जिसका कारपोर्च आ गया, मैट टाइल यूज़ किए गए हैं गिराज में इसके। और ये जिसका सीलिंग डिज़ाइन, सामने एक बड़ी खूबसूरत निश बनाई गई है जिसमें वॉल पेपर लगाया गया। पार्किंग स्पेस की बात की जाए तो दो बड़ी गाड़ियाँ आप इसमें ईजिली पार्क कर सकते हैं। राइट साइड पर भी आपको एक बड़ी गैलरी दी गई है, इधर भी आप एक गाड़ी ईजिली पार्क कर सकते हैं। सामने वॉल पर आर्टिफिशियल ग्रास लगाया गया, साथ टाइल वर्क किया गया डिज़ाइन। और यहाँ पर आपको वापरेट ऑन बायलास के मुताबिक गली दी गई है 4 फीट की। चलते हैं मेन डोर से घर के अंदर और आपको इसके अतर पर वर्क करवाते हैं। ये जिसका मेन डोर आ गया, मेन डोर का आपको डिज़ाइन देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया, सॉलिड वुड से तैयार किए गए। और स्टेप पे ग्रेनाइट मार्बल यूज़ किया गया। लॉक्स की जो क्वालिटी है बहुत ही अलग क्वालिटी के लॉक्स यूज़ किए हैं। और ये जिसका मेन एंट्रेंस आ गई, साथ ही आपको लेफ्ट साइड पर स्टेयर पाई जाती है इसके फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए। और उसके नीचे पाउडर रूम मिल जाता है। सामने ये आपको इसके लिविंग एरिया का डोर दिया गया और साथ ही आपको इसके ड्राइंग प्लस डाइनिंग का डोर मिल जाता है। चलते हैं आपको इसका ड्राइंग डाइनिंग दिखा देते हैं। सबसे पहले फैंसी ग्लास लगाया गया डोर्स के साथ। और ये जिसका ड्राइंग रूम आ गया, सामने पीछे बाहर मिल जाती है आपको। टायर आप देते हैं हैंड बाइक भी उसकी गई है इनाम भी। और ये जिसका खूबसूरत सी डिजाइन आना साथ लाइट स्विंग्स की नहीं। और एक अच्छा साइज आपको इस तरह ड्राइंग का ड्राइंग एरिया मिल जाता है। चलते हैं मंदिर आपको इसका पावर दिखा दे अपनी जो भी स्टेयर में नीचे दिया गया, ये इसका की पावर रूम आ गया, ये इसका पावर रूम। और ये स्टेयर दी गई हैं आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। और ये जी इसका लिविंग एरिया का मेन डोर आ गया, ये इसका लिविंग एरिया। टाइल आप देख रहे हैं और इससे सीलिंग डिज़ाइन आ रहे, साथ शैंडलियर लगाया गया ऊपर। और सामने इसकी ये वाला अभी जो कि वॉल पेपर अच्छी से डिज़ाइन की गई है। और बिल्कुल ओपोजिट ही आपको इसमें किचन मिल जाता है जो कि आपको सेपरेट दिए गए डोर अब अभी। डोर्स आप देखते हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किए गए, साथ इसमें फैंसी ग्लास का इस्तेमाल किया गया। और ये इसके ग्राउंड फ्लोर पर किचन आ गया, मेन किचन फुल साइज का। और जो किचन की शेड्स हैं बहुत ही अलग क्वालिटी की यूज़ की गई हैं। चूल्हा आपको इंस्टॉल मिल जाता है, वो भी इंस्टॉल किया गया। और यहाँ पर आपको वो फ्रीजर की स्पेस मिल जाती है, एक बड़े साइज का आपको किचन दिया गया। और ये जिसका सेल डिज़ाइन आ गया, साथ भी आपको ये डोर भी है जो उसके साथ गली के साथ अटैच है। चलते हैं आपको इसका बेड दिखा देते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर आपको टोटल 2 बेड्स दिए गए, ये इसके 2 बेड्स आ रहे। सबसे पहले ये बेड दिखा देते हैं आपको, ये सब फर्स्ट बेड में फाइल्स आप दे रहे हैं सेम यूज़ की नहीं। और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन आने वो साइडेड आपको विंडो दी गई बाई दिशन के लिए। और टैप वाशरूम मिल जाता है, इसका टैप वाशरूम आ गया, इसका मैनिटी का डिज़ाइन आप देख रहे हैं, साथ मैटिंग हीरा लगाया गया। और इस सामने से शॉवर एरिया टाइल्स टीम आप देख रहे हैं, बहुत ही अलग कम्बिनेशन यूज किया गया। और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन कबर्स जो मैम वो आपको वाशरूम के अंदर ही दी गई है, फुल साइज सी कबर्ड मिल जाती है आपको वाशरूम के अंदर ही। और इनकी जो शीट की क्वालिटी है और हैंडल्स हैं बहुत बड़ा क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं। चलते हैं सेकंड बेड की तरफ और आपको सेकंड बेड दिखा देते हैं। 10 मरले का हाउस है ये, बगर 5 बेडरूम। ये जिसका सेकंड बेड आने और ये इसकी डाइस, ये इसका सीलिंग डिजाइन। और यहाँ पर गोबर डिवाइस दी गई फुल साइज से, ब्राउन कलर भी शीट का इस्तेमाल जाने। और साथ ही वॉशिंग मिल जाता है आपको इसका अटैच, इसका मैनिटी आ गया। और बैटिंग मेरा का ये मिल जाता है, हमें इस तरह शॉवर एरिया, इसको आप सेपरेट भी करना चाहें तो कर सकते हैं गिलास से ला के।
और ये जिसका सेलिंग डिज़ाइन वॉशिंग की जो असेसरी है टोटली इन पोटेड एसेसरीज का इस्तेमाल किया गया। चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे और आपको उसका फर्स्ट फ्लोर की दिक्कत आती है। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए अगेन आपने इसके लॉबी में जाना पड़ेगा। ये जी अगेन हम इसके लॉबी में आ गया और यहाँ से स्टेयर व्यू करवा देते हैं। ग्रीन हैंड यूज़ किया गया स्टेयर पर भी और साथ ग्रिल लगाया गया और सामने यहाँ से आपको इसका डबल आईपीड का व्यू करवा देते हैं। बहुत ही खूबसूरत सीरिंग आई बनाएंगे इसके डबल आईपीड में, साथ लाइट्स यूज़ करेंगे और एंगिंग लाइट्स से समझ लीजिए। सामने वॉल पे देख रहे हैं टॉप तक वॉल पेपर इंस्टॉल किए हैं और चलते हैं मज़ीद ऊपर और आपको इसका विजिट करवाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर आते साथ ही हमको एक मिनी स्टोर मिल जाता है वो दिखा देते हैं। ये जी इसका छोटा स्टोर आ गया और यहाँ से आगे चलते हैं तो आपको एक विंडो पैनल दिया गया जो कि इसके फ्रंट टेरेस पे जाने के लिए, वो आपको बाद में विजिट करवाते हैं। हम सामने ही आपको एक अपार्टमेंट जाते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर का। ये जिसका थर्ड बेडरूम आ गया, इसकी सीलिंग डिज़ाइन देख रहे हैं और यहाँ से आपको वॉशरूम दिया गया इसके फ्रंट साइड पे। यहाँ से भी आप माय यू कर सकते हैं और इसके फ्रंट टेरेस पे भी जा सकते हैं। ये जिसका वॉशरूम आ गया, वैनिटी का डिज़ाइन देख रहे हैं, सैनिटी मिरर भी दिया गया। सामने इसका शॉवर एरिया भी रहता है, आप उससे फिर दिया गया ग्लास लगाए रहे और यहाँ भी जो कबर्ड्स हैं वो वॉशिंग के अंदर ही नहीं गई हैं। हम वो साइज थी कलर स्कीम जो है कबर्ड्स की बहुत ही अच्छी यूज की गई है, टाइल्स के साथ मैचिंग की गई। वैसे चलते हैं मज़ीद आगे और आपको इसका लिविंग एरिया दिखाते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर का। ये जी इसका लिविंग एरिया आ गया ऊपर वाले पोर्शन में। ये इसकी टाइल्स और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, सामने वुडिया वॉल मिल जाती है आपको, दोनों साइड पर निश्चित बनाई गई है, साथ वॉल पेपर यूज किया गया और बिल्कुल ओपनिंग इसको इसके ऑपोजिट आपको इसका ओपन किचन दिया गया। इसका ओपन किचन आ गया, इसमें आप शेड्स देख रहे हैं बहुत ही अलग क्वालिटी की यूज़ की गई है, ब्राउन कलर की थी मैं आपको किचन रेडी दिखाया गया और यहाँ पर चूल्हे भी नहीं है, उन लोगों के लिए स्पेस मौजूद है और बिल्कुल उसके साथ ही उसका फैमिली टेरेस मिल जाता है। ये इसका फैमिली टेरेस आ गया, यहाँ भी वॉशिंग एरिया के लिए स्पेस दी गई है साथ और यहीं से आपको स्टेयर मिल जाती है इसके घर के टॉप पर जाने के लिए। चलते हैं मज़ीद आगे और आपको इसके बेड दिखा देते हैं इसके ऊपर वाले पोर्शन के। ये जिसके दो बेड आ गए वो, ये जिसका फोर्थ बेडरूम आ गया, ये इसके टाइल्स, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन और यहाँ भी आपको सेटिंग विंडो पैनल मिल जाता है वेंटिलेशन के लिए और ये इसका वॉशरूम आ गया। सामने सेमेनिटी आप देख रही हैं बहुत ही ज़्यादा और सामने इसका ये शॉवर एरिया आ गए, टाइल ना आता इतना वॉशिंग में टॉप तक भी उसी गई है, इसका ऊपर सीलिंग हन आ गया और यहाँ भी महंगी की लाइट्स का इस्तेमाल किया गया। यहाँ भी जो कबर्ड्स हैं वो आपको वॉशिंग के अंदर ही नहीं है फुल साइज सी और वॉशिंग की स्पेस की बात की जाए इनमें अच्छे स्पेस है, आपको तमाम वर्क बेडरूम के साथ अच्छी स्पेस के वॉशिंग किए गए और जो टाइल्स कम्बिनेशन आते हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया और वैनिटी और इस तरीके बस वॉशिंग की एसेसरी हैं तो भी इंपॉर्टेंट एसेसरीज का इस्तेमाल किया गया। चलते हैं आप इसका लास्ट बेड भी लगा देते हैं, फिफ्थ बेडरूम में टोटल ये 10 मरले का हाउस है बाई बेडरूम। ये जिसका लास्ट बेडरूम आ गया, इसकी टायर्स, ये इसका सिल्वर डिज़ाइन उस साइज का आपको मैंने बैरन मिला है वेंटिलेशन के लिए और यहाँ पर जो कबर्स हैं वो क्वालिटी दी गई है अगेन ब्राउन कलर की शीट पे इस्तेमाल किया गया लाइट ब्राउन और ये इसका वॉशरूम आ गया अटैच, ये इसका वैनिटी और नाइटी मिरर आ गया, सामने शॉवर एरिया आप देख में और टाइल कॉम्बिनेशन जो देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा साथ सही डिज़ाइन आ गया, बहुत ही खूबसूरत वॉशरूम साइज सी बात की जाए तो बहुत ही अच्छे साइज से आप वॉशरूम दिए गए। चलते हैं आप लोग इसका फ्रंट टेरेस व्यू करवा देते 10 महीने में ये डिज़ाइनर हाउस है वापर डाउन फेस टू में। गेन चलते हैं इसके मेन लॉबी की तरफ, ये जिसके मेन डबल नाइटेड लॉबी आ गई गेन व्यू कर रहे हैं आप और यहाँ से ही आपको विंडो दी गई है इसके फ्रंट टेरेस पर जाने के लिए। ये इसके फ्रंट टेरेस पर आ गए, सेफ्टी के लिए आपको टेम्पर्ड ग्लास लगाया गया यहाँ पर इसके फ्रंट टेरेस पर आप देख रहे हैं और जो घर के सामने रोड है 60 फीट रोड है। लोकेशन की बात की जाए तो बहुत ही प्राइम लोकेशन है, घर के करीब पार्क मस्जिद है और लोकेलिटी आप देख रहे हैं टोटली डेवलप एरिया। घर के प्राइस की बात की जाए तो 3 करोड़ 75 लाख इसकी डिमांड है। मजीद डिटेल दी है आप वीडियो में दिए गए नंबर पर आप तक कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।